हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प सीरीज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप पेटीएम से 30 रुपया का कैशबैक कैसे ले सकते हैं। इस चीज़ के बारे में यदि आप भी पेटीएम से 30 रुपया का कैशबैक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम अपना पेटीएम वॉलेट को ओपन करेंगे। जब पेटीएम का ये ओपन हो जाए तब यहां आप मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जिस भी मोबाइल नंबर को रिचार्ज करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहां टाइप करें। अब यहां मोबाइल का जो ऑपरेटर है वो यहां से सिलेक्ट कर लें और यहां अमाउंट टाइप करें। ध्यान रहे अधिकतम कैशबैक आपको 30 रुपया ही मिलेगा, चाहे आप 30 से अधिक का भी रिचार्ज कर रहे हैं तो भी 30 का ही कैशबैक मिलेगा। साथ ही यदि आप 30 के नीचे का रिचार्ज कर रहे हैं, 10, 20, तो आप जितना रुपया का रिचार्ज करेंगे उतना रुपया ही आपको कैशबैक मिलेगा, इसलिए हम यहाँ 30 रुपया सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड, इस पर टिक ना लगाएं। यदि टिक लगा हुआ है तो उसे टिक हटा दें। उसके बाद प्रोसीड टू रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ आई हैव ए प्रोमो कोड पर क्लिक करें और ऊपर में आई हैव ए प्रोमो कोड इंटर हेयर वाले ऑप्शन पर आपको टाइप करना है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में THIRTY30 और उसके बाद टाइप करना है 30। याद रहे दोनों के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करें। आपको बता दें कि 30 का प्रोमो कोड का उपयोग हमने इस मोबाइल में कर लिया है, इसलिए हमें ये बताता है कि ये प्रोमो कोड केवल एक मोबाइल में एक ही बार सपोर्ट लेता है। इसलिए आप करके ट्राई कीजिए, आपके मोबाइल में ये सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ आपका मोबाइल भी रिचार्ज हो जाएगा, साथ में आपका 30 रुपया का कैशबैक वापस हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें 10 का रिचार्ज कर लिया है इसलिए ये मेरा प्रोमो कोड एक्सपायर हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा वॉलेट, मैंने कल 10 रुपया का रिचार्ज किया था और तुरंत ही 10 रुपया कैशबैक वापस मिल गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि पेटीएम से 30 रुपया कैशबैक कैसे लिया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।